A very good morning, all of you. But today we are going to start the topic of unemployment. You have already, covered this topic in your 9th as well as 10th standard. So let's see what is the meaning of unemployment. बेटे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो सिचुएशन जहां पे वो लोग जो काम करने को तैयार है और काम कर सकते हैं लेकिन करंट वेजेस पर उनको काम नहीं मिल पा रहा. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क. एबल मींस दे आर फिजिकली फिट टू डू वर्क एंड दे want to, they are willing to do work at the current wage rate, but still no jobs are available for them, then this situation is known as unemployment. ठीक है, so बेटे unemployment का जो data है वो उसके तीन sources हैं. हमें कैसे पता चलता है कि हमारी country में कितनी unemployment है? There are three basically sources of data on unemployment. One is National Statistical Office reports. पहली बात National Statistical Offices reports. एक एजेंसी होती थी National Sample Survey Organization. उसका नाम अब बदल गया है. Now it is known as National Statistical Office. उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स देती हैं, जिनको कहा जाता है रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. सो अगर आपको कल को कोई प्रोजेक्ट बनाना है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द डेटा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. देन बेटे देयर आर एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एंड Directorate General of Employment and Training data of registration with employment exchanges. Employment agency exchanges वो agencies है हमारी country की कि जहां पर जो लोग employment चाहते हैं, अपनी qualification complete कर चुके हैं, वो employment exchange पे जाकर अपना data fill कर देते हैं कि so is the my qualification and I'm looking for such kind of job. तो इससे हमें पता चल जाता है कितने लोग unemployed हैं या काम ढूंढ रहे हैं और उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस उनको वो वैकेंसीज कहीं पर भी उनके लायक वैकेंसीज है उनको वो डाटा भेज देती हैं ताकि वो वहां पर अप्लाई कर सके और अपने जॉब्स पा सके. ठीक है, तो ये जो डाटा है ये एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के पास अवेलेबल भी होता है. ठीक है, पहला क्या था? रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट which are produced by National Statistical Office. दूसरा है annual reports of periodic labor force survey. And third one is Directorate General of Employment and Training data of registration with employment exchanges. ठीक है, so ये different estimates provide करते हैं हमें unemployment के. So now let us see what are the various types of unemployments which are prevalent in our country. Basically, we divide unemployment into two categories, rural unemployment, urban unemployment. So it's very much clear from the name, rural unemployment, which is found in rural areas, urban unemployment, which is found in the urban areas. Ab kya difference hai rural aur urban unemployment mein? Rural areas mein bete do tarah ki unemployment pai jati hai. One, disguised unemployment. Disguised unemployment का मतलब वो situation where more than required number of people are engaged in a particular job. एक job में अगर 10 लोगों की जरूरत है और वहां पर 15 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 5 है इनको आप remove भी कर दोगे और production के ऊपर कोई adverse impact नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो 5 लोग हैं ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं आउटपुट में, तो इनको हम डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं. व्हाई दे आर नॉट ओपनली अनएम्प्लॉयड? बिकॉज अपेरेंटली दे सीम टू बी वर्किंग, वो काम कर रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? डिस्गाइज्ड
अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इंडिया में बेटे अबाउट 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ये 1950s का डेटा है, अभी इतना नहीं होगा, 1950s का एक सर्वे हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि अबाउट 1/3 ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन इंडिया आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द अनदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज फाउंड इन रूरल एरियाज, दिस इज सीजनल। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर पर्टिकुलर मंथ्स इन अ ईयर, रेस्ट ऑफ द मंथ्स दे आर unemployed, they remain idle. Now again this is found in rural areas, reason being rural areas mein main occupation agriculture hai aur agriculture ek seasonal activity hai, theek hai. Ab seasonal activity hai matlab agriculture ek aisi activity hai jisme aapne dekho aaj seeds bo kar diye to agle din hi to nahi wo uske wo ugayega, theek hai. It needs isko kuch time lagta hai seeds ko sow hone, grow hone mein, germinate hone mein, ठीक है, उसके बाद बड़ा मैच्योर होने में क्रॉप को और फ्रूट लगने में टाइम लगता है। सो इन बिटवीन दैट टाइम पीरियड फार्मर या एग्रीकल्चर लेबरर्स का कोई काम नहीं होता है। वंस दे हैव सोन, दे हैव प्लोड द लैंड, दे हैव सोन द लैंड, दे हैव पुट देयर केमिकल फर्टिलाइजर्स, दे जस्ट नीड पर्संस टू गिव वाटर टू द क्रॉप्स, अदर देन दैट दे डोंट नीड एनी अदर वर्कर्स। उसके बाद जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है फिर उसकी हार्वेस्टिंग हमें करनी होती है, उस टाइम पे फिर हमें वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन में ही वर्कर्स की जरूरत होती है, उसके अलावा वर्कर्स की जरूरत नहीं होती। सो रेस्ट ऑफ द टाइम दे रिमेन आइडल, दैट इज अनएम्प्लॉयड। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज फाउंड इन यू नो फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इन ईयर, इट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच प्रिवेल्स इन रूरल इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अर्बन एरियाज पर। अर्बन एरिया में भी, हम लोग सिटीज में रहते हैं, हमें पता है कि हमारी सिटीज में भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रूरल एरियाज। अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगेन वी क्लासीफाई इट इनटू टू कैटेगरीज। One, industrial unemployment, industrial, and another is educated unemployment. जो industrial unemployment है बेटे, ये basically इसका origin rural areas में ही होता है। Rural areas में seasonal occupation है, ठीक है। तो जब, अब ऐसा तो नहीं है कि साल 12 महीने हैं, उसमें से 4 महीने काम है, 8 महीने आपके पास काम नहीं है, तो 8 महीने आप घर में free बैठ के तो नहीं खा सकते। You need to do something, but then in rural areas, no job opportunities are available. So what do people in rural areas do? They migrate to the urban areas. They start looking for jobs in urban areas. Again, some people are able to find jobs, whereas others are unable to. ठीक है, कुछ को जॉब मिल जाता है, कुछ को जॉब नहीं मिलता, because these are unskilled, uneducated people, they are looking for jobs in industries. ये factories में, shops में, workshops में काम ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, यानी industries में ये काम ढूंढ रहे हैं। अगर इनको काम नहीं मिल पाता, they remain unemployed. Now, because they were looking for jobs in industries, so we call them as industrial unemployed people. ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बेटे अर्बन एरियाज में ही है मेनली, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है? अर्बन एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अर्बन एरियाज में सिर्फ अनपढ़ लोग जो हैं वो ही अनएम्प्लॉयड हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज फाउंड इन द अर्बन एरियाज एंड दैट इज नोन एज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? एडुकेटेड नाम से पता चल रहा है, व्हेन एडुकेटेड पीपल आफ्टर कंप्लीटिंग देयर क्वालिफिकेशन, व्हेन सच टाइप ऑफ पीपल लुक फॉर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स दे आर लुकिंग फॉर। यू नो व्हाट आर व्हाइट कॉलर जॉब्स? व्हाइट कॉलर जॉब्स कौन सी होती है बेटे? एनीवन, एनी आइडिया? व्हाइट कॉलर जॉब्स बेटे जैसे ऑफिस की जॉब,
ठीक है, जो एडुकेटेड स्किल्ड लोग जॉब्स ढूंढते हैं, क्लर्क की जॉब हो गई, डॉक्टर की जॉब हो गई, लॉयर के लिए जॉब हो गई, टीचिंग प्रोफेशनल की जॉब हो गई, बैंक्स में जॉब हो गई, ठीक है, ये सब वाइट कॉलर जॉब्स है, कॉर्पोरेट जॉब्स हो गई, ठीक है. बट ऑल एडुकेटेड पीपल दे फेल टू गेट जॉब्स, सो दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. नाउ सच पीपल आर नोन एज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल. ठीक है बच्चे, सो ये हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट. अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैन एनीवन टेल यू कॉजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? कॉजेज बेटे, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. इंडिया में हर प्रॉब्लम, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण पूछा जाए ना, तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा आप दे सकते हो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. तो इंडिया में हमारा जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का 2.2% पर एनम है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस के बाद से ऑलमोस्ट इतना ही रह रहा है, कम नहीं हो रहा है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज हम इतनी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. एवरी ईयर वी आर अनएबल टू क्रिएट सो मच ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाई पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड. क्लियर? सो अनदर रीजन इज स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी. हमारी इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी मीन्स जिस रेट पे हमारी जीडीपी बढ़ती है, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है. आज 100 करोड़ है, 2020 में 100 करोड़ था, 2021 में 103 करोड़ हो गया, ठीक है, इसका मतलब 3% इंक्रीज आया. सो दिस इज वेरी स्लो. इफ वी नीड टू अकोमोडेट मोर एंड मोर पीपल, इफ वी नीड टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल, वी नीड टू एक्सेलरेट द ग्रोथ रेट ऑफ अवर economy, but that's not happening. So we are facing many setbacks like that of lockdown last year, and this year also production activity would come to halt. ठीक है, so इससे कि हमारी economy का जो growth rate है GDP का वो कम हो जाएगा. Then backwardness of agriculture, हमारी agriculture अभी भी backward है, हम primitive methods use कर रहे हैं. So this actually is the reason responsible for disguised unemployment, which is the major problem being faced by our agricultural sector today. ठीक है, तो हमारा जो means of production है outdated है, backward है, तो जिस करके हमारी unemployment opportunities कम है. Then आप बोलो कि मैम चलो agriculture में नहीं तो industries में तो हम employment ढूंढ सकते हैं. बेटे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इतना एफिशिएंट नहीं है, हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की शॉर्टेज है, हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है. हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना वो मोमेंटम नहीं गेन कर पाया, ठीक है, सो इट कुड नॉट जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन आवर कंट्री. राइट, देन our faulty education system, we can't deny, हमारा जो education system है वो बहुत ही faulty है, vocational नहीं है, बिल्कुल general education हम provide करते हैं. तो general education से और vocational में क्या difference है? General education में ऐसा होता है कि अगर आप एक degree लेके बाहर निकलते हैं और आपको कोई job नहीं मिल रही है, तो आप अपने आप को self-employ नहीं कर पाते हो. You do not have such skills. After attaining general education, you have not attained any skills using which you can self-employ yourselves. Whereas vocational education पे अगर हम stress करेंगे, vocational education से क्या होगा? आपके पास skills आ जाएंगे. तो अगर आप कोई job नहीं ढूंढ पाते हो, तो you can set up your own, you can self-employ yourself. ठीक है? So, लेकिन इंडिया में हमारा एडुकेशन सिस्टम फॉल्टी है, जिन स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट है वो हम इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी शॉर्टेज है, और जो स्किल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं एडुकेशन सिस्टम में वो सरप्लस में है लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. राइट, सो देन हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कोई खास, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. वाई? Because it is labor intensive, right? So we employ more of labor and less of capital in small industries. But then again, in India, small scale sector is lagging behind. It is on the verge of decay. Small scale sector बहुत ही कम रह गया है, decay हो रहा है,
जिस करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी कंट्री में नहीं बढ़ रही है, ठीक है। सो दीज वर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बट देन व्हाट कैन वी डू टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट? कॉजेज कर लिए, अब हमें देखो करना क्या है। व्हाट कैन वी डू, व्हाट सजेशंस वुड यू गिव टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट? एनीवन, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस तरह से कंट्री में दूर कर सकते हैं? कोई एक सजेशन फ्रॉम एनी चाइल्ड, रेज योर हैंड। ऑलराइट, सो बेटे जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम, आई कैन सी वन मैसेज, ओके। X is not working. Why the lack of reforms? There are no lack of reforms. We'll be studying in further. Government has been taking measures. ठीक है? तो लेकिन हमें कारण बताने पड़ेंगे. As a student, you should be aware कि क्या कारण है आपके और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ताकि कल को आपको भी कुछ करना पड़े. आप ऐसी फील्ड में जाते हैं कि आपको कुछ करना पड़े, कि आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है. से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, आप कल को एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग जाते हैं, ठीक है, आप आईएएस बन जाते हैं, तो आपके पास सारी एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, तो आप अपनी स्टेट को, अपनी सिटी को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से कैसे दूर कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको रीजन पता होने चाहिए ना हर प्रॉब्लम के. दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दी कॉजेज. सो फ्रॉम कॉजेज वी कैन फाइंड आउट दी मेजर्स. लाइक आई टोल्ड यू, अवर एडुकेशन सिस्टम इज फॉल्टी. सो वट वी कैन डू इज we can make changes in our education system, and this is happening. We have, our government has introduced new education policy that is vocational, that is skill oriented. theek hai, so usme practical orientation zyada hai. so government is hoping ki agar hum education system mein reforms leke aayenge to hamara jo unemployment ki problem hai that could be solved to some extent. एंड देन हमने पढ़ा कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है उसमें हम यू नो ओल्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो वी शुड मेक इम्प्रोवाइजेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. वी शुड शिफ्ट टू मल्टीपल क्रॉपिंग. वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टू मल्टीपल क्रॉपिंग बट इन सम विलेजेस. बेटे इंडिया का एक ऐसा पार्ट है ना जिसको आप पहचान नहीं पाओगे अगर आप कभी जाओगे तो. ठीक है, यू वुड से कि अच्छा इंडिया में ऐसा भी है, हम तो सोच रहे थे हम बहुत एडवांस हो गए हैं. so there is a part of India जहाँ पर अभी भी बहुत backwardness है. ठीक है, तो वहाँ पर multiple cropping नहीं है क्योंकि वहाँ पर permanent means of irrigation नहीं है. अभी तक तो हम 100% rural electrification की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, सारे गाँव में बिजली नहीं है, तो अभी हम claim कर रहे हैं कि हमने सारे गाँव में बिजली हम ले आए हैं, लेकिन इससे पहले तक ये claim कोई भी नहीं कर रहा था. ठीक है, तो इसीलिए मल्टीपल क्रॉपिंग अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहां पर हम ट्यूब वेल्स वगैरह नहीं लगा सकते थे. वी हैड टू रिलाय और बीइंग डिपेंडेंट अपॉन दी रेनफॉल. ठीक है, देन फार्म एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए. हम सिर्फ एग्रीकल्चरल फूड क्रॉप्स उनके ऊपर फोकस करते हैं, तो व्हाई डोंट वी डाइवर्सिफाई अवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज like we studied in the chapter of rural development. क्या होती है agricultural diversification, ये हमने पढ़ा. तो इस तरह से हम दूसरे ऐसे you know agri business start कर सकते हैं जिसमें ज्यादा value addition होती है, जैसे animal husbandry, poultry, fishing, sericulture, horticulture. ठीक है, these offers the scope for employment expansion. So we should focus on that. Then we should emphasize on the use of, you know, labor intensive techniques of production so that more and more people can be absorbed. Then self-employment opportunities ke liye government ko help karna chahiye. Theek hai? So these are the suggested measures. Now let's see what steps have been taken by the government in creating employment opportunity. सो बेटे यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कोशिश कर रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने की. उनके एफर्ट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज डायरेक्ट एफर्ट्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट एफर्ट्स. ठीक है, डायरेक्ट एफर्ट्स हमने जैसे देखा कि गवर्नमेंट जो है वेरियस डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है.
ठीक है, आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है, जनरल गवर्नमेंट वो देती है। देन गवर्नमेंट सेक्टर है हमारा जिसमें हम इंडस्ट्रीज हैं, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे अगेन इज अ गवर्नमेंट रन एंटरप्राइज, और बहुत सारी और गवर्नमेंट रन एंटरप्राइजेज हैं, होटेल्स हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स डायरेक्टली, ठीक है। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों को इम्प्लॉय करती है। अब जब गवर्नमेंट लोगों को इम्प्लॉय करती है और उससे आउटपुट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, ठीक है, सो ये जो आउटपुट है जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जनरेट कर रहे हैं, जब ये इंक्रीज होता है, देन प्राइवेट एंटरप्राइजेस विच रिसीव रॉ मटेरियल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटरप्राइज, दे विल ऑल्सो रेज देयर आउटपुट। इट्स जस्ट लाइक बेटे लिंकेजेस जनरेट हो रही है, जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में, लिंकेजेस जनरेट हो रही है। लिंकेजेस कैसे जनरेट हो रही है, गवर्नमेंट की आउटपुट बढ़ी, अब गवर्नमेंट ज्यादा रॉ मटेरियल मांगेगी, गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर की गुड्स की या रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई, दे विल प्रोड्यूस मोर, व्हेन दे विल प्रोड्यूस मोर अगेन दे विल हैव टू एम्प्लॉय मोर, उनको ज्यादा लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे तभी वो अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है, गवर्नमेंट ने लोग इम्प्लॉय किए, वो लोगों को इम्प्लॉय करने से गवर्नमेंट का आउटपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा तो उसके लिए रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ी, रॉ मटेरियल की डिमांड क्योंकि बढ़ी तो रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन के लिए भी और लोगों को इम्प्लॉय करना पड़ा, ठीक है, और लोगों को इम्प्लॉय किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई, ठीक है, सो दिस विल रिजल्ट इन डायरेक्ट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट कंपनी। साइमल्टेनियसली प्राइवेट कंपनीज विच ऑल्सो, ये एक एग्जाम्पल दी हुई आपको, जब गवर्नमेंट एक स्टील ओन, गवर्नमेंट की एक कंपनी है स्टील बनाती है जो, ठीक है, वो अपनी आउटपुट बढ़ाती है तो उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उस गवर्नमेंट कंपनी में। गॉट इट? एक गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अपनी आउटपुट बढ़ाई, आउटपुट बढ़ाने से कैसे बढ़ेगी, जब वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब प्राइवेट कंपनीज विच परचेज स्टील फ्रॉम इट विल ऑल्सो इंक्रीज देयर आउटपुट एंड दस एम्प्लॉयमेंट। वो प्राइवेट कंपनीज जो कि इस गवर्नमेंट ओन्ड स्टील कंपनी से स्टील खरीदती हैं, ये भी अपनी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगी, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने पॉवर्टी के चैप्टर में पढ़ा कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हुए, ठीक है, सो ये जो प्रोग्राम्स हैं दे एम नॉट ओनली इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट बट दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज इन एरिया सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एडुकेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड दे ऑल्सो असिस्ट पीपल टू बाय इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एसेट, जैसे कोई मशीनरी खरीदने के लिए उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एसेट्स ऑल्सो बाय जनरेटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड सैनिटेशन, असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन हाउसेज, लेइंग ऑफ रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, ये सब गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो एक आपने बहुत ही गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पर ही दी हुई आपको, नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है, इट प्रोमिसेज 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू ऑल दोज रूरल हाउसहोल्ड्स हु वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। The scheme based on this act is one of the measures which government has implemented to generate employment for those who are in need of this employment, especially in the rural areas. ठीक है, इसके अलावा बेटे और भी schemes हैं जो हमने poverty के chapter में की हुई हैं, Prime Minister Rozgar Yojana, Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojana, ठीक है, Swarn Jayanti Shahri Rozgar Yojana, Minimum Needs Program,
तो ये सारी आगे क्या होता था बेटे, मैं आपको ये बता दूं कि आपको पॉवर्टी के चैप्टर में स्कीम्स आ जाती थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम नहीं कराते थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको इन स्कीम्स का, तो यू वुड बी नोइंग इट, क्योंकि आपने चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में नहीं की लेकिन पॉवर्टी के चैप्टर में की हुई है। अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये स्कीम्स अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं दी हुई और पॉवर्टी का चैप्टर हमारा टर्म वन में था। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक बारी जस्ट गो थ्रू दी स्कीम्स वंस, सो दैट अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, विद दिस अवर दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो छुट्टियों से पहले कवर किए थे, और ये टॉपिक रह गया था वो मैंने अभी आपको कवर करा दिया।